हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें मैंने इस साइज़ के दो टमाटर काट लिए हैं और एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और ये चार लहसुन की कलियां डाल ली हूँ, दो लाल मिर्च डाल ली हूँ और एक ये बे लीफ डाल ली हूँ और सात आठ काली मिर्च, दो लौंग, एक बड़ी इलायची, दालचीनी और जावित्री, ये सब मैं गरम मसाला इसमें डाल रही हूँ। और इसमें साथ में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, साबुत जीरा, तो ये हम साबुत जीरा डालेंगे, ये छोटी वाली स्पून है मसाला क्वीन की, तो ये आधा चम्मच ले लिया मैंने। थोड़ी सी रेड चिली, नहीं रेड चिली पाउडर हटा रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये साबुत वाली दो लाल मिर्च ले ली हैं। और इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। थोड़ी सी इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बाद में ऐड करूँगी, तो अभी हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेंगे। इसमें हम ये थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है तो हम इसमें धीरे से मशरूम को छोड़ेंगे। अभी मैंने गैस को ऑफ कर दिया है क्योंकि ऑयल बहुत गर्म है और मशरूम लगभग तीन मिनट में बेक हो जाएगा। गैस को हम दोबारा ऑन करेंगे। मशरूम फ्राई होने के बाद ये जो बचा हुआ तेल है इसमें हम अपना मसाला फ्राई करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं ये छोटी इलायची है ग्रीन वाली, इसको मैंने क्रश कर लिया है, तो हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि मशरूम की अपनी एक स्मेल होती है, तो छोटी इलायची जो है उसकी उस स्मेल को थोड़ा कवर अप कर लेगी, क्योंकि बहुत से लोग, हो सकता है जो लोग फर्स्ट टाइम खा रहे हैं तो उनको वो स्मेल उतनी अच्छी ना लगे, बट अदरवाइज मशरूम खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए छोटी इलायची हमारी फ्राई हो गई है, अब हम जो मसाला हमने फ्रेश मसाला रेडी किया था वो हम इसमें डाल रहे हैं। इसको हम चला लेंगे। जार में जो मसाला लगा हुआ था उसे भी मैंने पानी डाल के निकाल लिया है, तो हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम और लो पर, मीडियम पे थी, मैं लो पर सेट कर दिया है थोड़ा, क्योंकि ये पानी थोड़ा उछला था इसका, तो इसमें हम अच्छे से भूनना है क्योंकि प्याज है, प्याज थोड़ा टाइम लेती है। अभी थोड़ी देर मसाला अभी हम और भूनेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे मटर ऐड कर रहे हैं, मसाले में हमारी मटर भी भून जाएगी। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, और इसको हम ढक कर रख देंगे ताकि मसाला और मटर दोनों अच्छे से
मसाला देखिए काफ़ी अच्छे से भून गया है और काजू भी आधा से ज़्यादा पक गया है और मटर भी देखिए पक सी गई है, अभी थोड़ी और पकेगी। जब हम मटर को मसाला पका लेते हैं तो बस हमें जब ग्रेवी पकानी पड़ेगी और मशरूम तो हमारे पक ही गए थे फ्राई करने से और मटर हमारे मसाले में पक जा रही है, मसाला भी हमारा अच्छे से पक जाएगा। प्याज वाला मसाला है तो थोड़ा समय लेता है, अगर हम तेज़ आँच पर से भूनेंगे तो ये भुन जाएगा बट उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। जब हम थोड़ा से अगर हम थोड़ा सा मीडियम आँच पर से भूनें और थोड़ा लो फ्लेम पर भूनें तो ये काफ़ी अच्छा भुन जाता है और उसका टेस्ट काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। जब तक कि ये ऑयल इस तरीके से छोड़ने ना लगे, देखिए ये कढ़ाई छोड़ रहा है बिल्कुल, तो देखिए कढ़ाई की तरह में जो एक लिक्विड मैच रहती है मसाले की जब हम भुनना शुरू करते हैं तब वो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें काफ़ी अच्छे से मसाला भुन गया है, मसाला देखिए अभी मसाले में मैं तो अच्छे से पकी रही है, पकेगी बस हमारा मसाला काफ़ी अच्छे से पक गया है तो हम इसमें मशरूम को ऐड कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे ताकि हमारी मटर ताकि सब्जी की मटर भी अच्छे से पक जाए। और अगर आप इसे ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं बट मैं ये ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनाऊंगी तो मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ कि पकने में जो पानी लगेगा वो लग जाए, बट ये थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी तो मैंने इसको कवर कर दिया है पानी डाल के और हम इसको 5-6 मिनट धीमी आंच पर देखिए हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है, मटर मशरूम की। तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको धनिया से गार्निश कर देंगे। तो देखिए मटर मशरूम की कितनी अच्छी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफर करके सर्व कर सकते हैं, तो हम इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे।
और इसको हम थोड़ा सा धनिया से और गार्निश करेंगे फाइनल टच देने के लिए।